सो फाइनली गाइज, किससे ही आप सभी लोग एंड गाइज, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गाइज आप लोगों को ये तीनों गनों में से आप लोगों के लिए कौन सा स्किन बेस्ट होने वाला है। जी हाँ गाइज, आपको यहाँ पे तीन गन का स्किन दिया जा रहा है और गाइज तीनों गन में से आप लोग कोई भी एक गन का स्किन परमानेंट ले पाओगे और गाइज तीनों के तीनों गन लेजेंडरी है, ठीक है। तो गाइज आपके लिए तीनों में से कौन सा गन बेस्ट होने वाला है एंड गाइज आपको जो कौन सा गन लेना चाहिए, तो गाइज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड गाइज इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे ये मैजिक बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, तो गाइज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ आपको जो कौन सा गन का स्किन क्लेम करना चाहिए, उसी के साथ में आप सभी लोग मैजिक कैसे क्लेम करोगे, तो गाइज मैं ना आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं लोग आप सभी लोगों को करना क्या है, मैं लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो मैं लोग इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू से अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो मैं लोग वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं लोग चैनल पर नहीं आए हो तो गाइज प्लीज अचानक सब्सक्राइब कर लेना एंड के साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो गाइज जिससे अगर आप लोग यहाँ पे इवेंट पे क्लिक करोगे ना और गाइज इवेंट पे आओगे तो गाइज आपको यहाँ पे तीनों गन का स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा। गाइज जैसे कि यहाँ पे तीनों गन का स्क्रीन यहाँ पे ऐड हो चुका है और गाइज आप लोग तीनों गन में से आप लोग यहाँ पे एक गन का स्किन यहाँ पे चूज करके क्लेम कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पे क्लेम करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज ये कब आप लोगों को क्लेम करने के लिए मिलेगा एंड गाइज आपके लिए कौन सा गन का स्किन बेस्ट होने वाला है, तो गाइज आप लोग अभी जानोगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पहले बात करते गाइज आप लोग ये गन का स्किन कब क्लेम करोगे, तो गाइज मैं आपको पहले बता दूंगा ये गन का स्किन आप लोग सिर्फ एक ही दिन क्लेम कर पाओगे और गाइज वो रहेगा गाइज 23 मई, ठीक है। गाइज आप लोग 23 मई को क्लेम मतलब एक ही दिन उसको क्लेम कर पाओगे, अगर गाइज अगर आप लोग 23 तारीख को अगर मिस कर दोगे तो गाइज आप लोग उसके बाद इसको क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज आपको ये 23 तारीख को क्लेम करने के लिए मिलेगा। आप तो जान गए कि आपको इसको कब क्लेम करना है एंड गाइज कितने मतलब दिन तक आपको ये गेम करना देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि गाइज आपको ये तीनों गन में से कौन सा स्किल लेना चाहिए। तो गाइज जैसे अगर आप लोग यहाँ पे M4A1 का देखोगे यहाँ पे मतलब एबिलिटी, तो गाइज यहाँ पे एक एक्यूरेसी और गाइज तो गाइज यहाँ पे आर्मर पेनिट्रेशन है, तो गाइज इसको छोड़ते हैं गाइज उसके नीचे आते हैं, तो गाइज यहाँ पे UMP एंड गाइज UMP में मतलब सिंगल डैमेज और डबल रेंज है, ठीक है। गाइज यहाँ पे इसको भी छोड़ते हैं गाइज नीचे आते हैं M60 के पास, तो गाइज जैसे अगर इसमें देखोगे तो गाइज इसमें भी वही है 1 रेंज और गाइज साथ में आपको जो है डबल आर्मर पेनिट्रेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज इसमें आप सभी लोगों को कौन सा लेना चाहिए, तो गाइज आप लोग ध्यान देना गाइज अगर आपके पास कोई शॉर्ट रेंज मतलब शॉर्ट रेंज का कोई ढंग का गन का स्किन नहीं है, मतलब अगर आप लोग गेम खेलते हो और गाइज आपके पास कोई शॉर्ट रेंज मतलब जैसे UMP MP40 और गाइज MP5 ऐसा कोई गन का स्किन नहीं आपके पास अच्छा कोई लेजेंडरी, तो गाइज आप लोग UMP के साथ जा सकते हो, क्योंकि गाइज शॉर्ट रेंज मतलब रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग कस्टम खेलते हो तो गाइज आपके पास शॉर्ट रेंज होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कस्टम में शॉर्ट रेंज में ही फाइट करते हो, मतलब आप लोग ज़्यादातर आप लोग शॉर्ट रेंज में ही फाइट करते हो, तो गाइज आप लोग लॉन्ग रेंज में बहुत ही कम फाइट करते हो। तो गाइज अगर आपके पास कोई ढंग का शॉर्ट रेंज नहीं है तो गाइज आप लोग UMP के साथ जा सकते हो, और गाइज अगर आपके पास अच्छा UMP का स्किन है तो गाइज आप लोग यहाँ पे जा सकते हो M4A1 के साथ, ठीक है गाइज। अगर आपके पास अच्छा UMP का स्किन है तो गाइज आप लोग M4A1 के साथ जाना, और गाइज अगर आपके पास M4A1 भी अच्छा स्किन है तो गाइज आप लोग जाना M60 के साथ, ठीक है गाइज। यहाँ पे तीनों गन अच्छा है गाइज, तीनों गन के बारे में बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गाइज आपके पास कैसा रिक्वायरमेंट है, आपको जो कौन सा गन चाहिए, आपके पास कौन सा गन नहीं है, उसके हिसाब से आपको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूंगा मेरे पास ये तीनों गन का अच्छा स्किन है, लेकिन गाइज मैं फिर भी यहाँ पे UMP को ही मतलब यहाँ पे मैं क्लेम करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज जब आपको अच्छा लगता है UMP तो गाइज आप लोग UMP को क्लेम करना। एंड गाइज मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आपके पास कौन सा गन का स्किन अच्छा नहीं है गाइज, आप लोग वही गन का स्किन क्लेम कर लेना, ठीक है। तो उसी के साथ में जैसे नीचे आओगे तो गाइज आपको यहाँ पे मिलने वाला एक मैजिक कूप जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। एंड गाइज ये कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो गाइज आपको मालूम है 25 तारीख को गेम के अंदर एक अपडेट आने वाला है जिसका नाम है OBB 34 अपडेट। एंड गाइज मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को मैजिक कूप मिलने वाला है और गाइज अपडेट कब आएगा, ठीक है। अगर गाइज अगर आप लोग नहीं देखे हो तो गाइज आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज ये मैजिक कूप कब मिलेगा, तो गाइज जैसे अगर आप लोग डेट देखोगे तो यहाँ पे 25 तारीख को गेम के अंदर अपडेट आएगा एंड गाइज आप लोग 25 से लेकर 26 तारीख तक इसको क्लेम कर पाओगे, ठीक है। आप लोग 25 तारीख को जैसे अपडेट करते हो उसके बाद आप लोग इसको इजिली क्लेम कर पाओगे एंड गाइज उसी के साथ में आप लोग 26 तारीख तक इसको क्लेम कर पाओगे, जिसमें आप लोग 2 दिन आपको समय मिल जाएगा और गाइज आप लोग दोनों में से इजिली क्लेम मतलब 2 दिनों में आप लोग इजिली इसको क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज जैसे अगर आप लोग देखोगे तो गाइज मेरे पास ऑलरेडी 4 मैजिक कूप पड़ा हुआ है एंड गाइज इसको जैसे क्लेम करूंगा तो गाइज मुझे 5 हो जाएगा। तो गाइज ये मैजिक कूप का क्लेम कैसे करना है, तो गाइज जैसे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ आपको 15 मिनट गेम को खेलना है, ठीक है। आपको ज्यादा गेम को नहीं खेलना है, बस आपको 15 मिनट गेम को खेलना है, फिर आपको यहाँ पे क्लेम करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज मैंने समझा दिया आप लोगों को मैजिक कूप कैसे मिलेगा और गाइज आप लोगों को तीनों गन का स्किन कौन सा लेना है। अब मैं आपको बता दी गाइज आपको मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो लेना है। एंड गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि गाइज ये जो मतलब यहाँ पे जो FFWS का जो वाल का स्किन
स्किन है गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसमें वीडियो बनाऊंगी गाइज, इसमें से आप सभी लोगों को कौन सा वॉल का स्किन लेना चाहिए, तो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना गाइज, मैं अगला वीडियो इसी में बताने वाला हूँ। क्योंकि देख लो गाइज बहुत सारे बंदे यहाँ पे रॉन्ग मतलब गुलवाल को क्लेम करने वाला है मेरे ख्याल से, तो गाइज आप लोग कमेंट में जरूर बताना गाइज, मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। एंड में भाई लोग आज के वीडियो में इतना, यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।